अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक हैं, खैर वाकई से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक हैं। और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ आप सबके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। विनीश विनीश क्या बोलती है? आपकी दुआओं से मैं याद रखूँगी। आपकी दुआओं से हम भी याद रखूँगी। विनीश के तरीके आप बोलती रहती है। बाय बाय। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? ठीक हम भी ठीक हैं। बोलो प्लीज, कमेंट करके बताना। प्लीज कमेंट करके बताना, मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। आप सबका दिन कैसा गुजरा? ये तो हटा, अब बोलो आप सबका दिन कैसा गुजरा? नहीं पता। वो आप पूछोगी ना, वो बताएंगे। आपका दिन कैसा रहा? अच्छा रहा या? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। ये देखें जी, अभी जन्नत ने सारा ये जो इस पे कपड़े हमने बिछाए होते हैं, दरियाँ वगैरह, वो सारी उनको झाड़ के वो दीवार पे टंगी हुई हैं। ये देखें ये सब, इसको भी झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, और अभी इस पे पोछा लगाया सारा। अभी ये साफ हो गया। हाँ ये देखें ये सारा, ये करना तो कल चाहिए था, लेकिन कल टाइम नहीं मिला, चेकअप के लिए जाना था। हाँ चलो ये अभी ये देखें ये सारा माशाल्लाह से क्लीन हो गया। और ये देखें ये सीढ़ियाँ भी बिल्कुल क्लीन कर दी हैं। और अभी जो है सालन की तैयारी करते हैं। आज जो है आलू पालक तैयार करेंगे। ये देखें जी, ये पालक लाएँ और बहुत ही फ्रेश है माशाल्लाह। और ये मेथी भी लाएँ। और अभी ये जिन्ना जो है पालक काट रही है, अलग अलग कर रही है, फिर इसको वॉश करेंगे। फिर इसको बॉईल करते हैं। फिर उसके बाद ये देखेंगे मसाला भी, और आलू पालक आज तैयार करेंगे। देखें जी, विनीश जो है अभी इनके साथ खेल रही है, खाना अभी बना रही है। देखें ये इसका किचन है विनीश का, है ना विनीश? विनीश इस पर काम कर रही है, देखें जी। और पालक बनाती है विनीश भी, बहुत टेस्टी पालक बनाती है ना विनीश? विनीश माशाल्लाह खाते खाते उंगलियां गायब हो जाती हैं। उंगलियां गायब। विनीश माशाल्लाह बहुत मेहनत से काम करती है, देखें। ये तो उंगलियां हैं। हाँ लो लो भाई, ये विनीश ने काम कर दिया, देखो काम करती है विनीश। अब ये तोलूंगी। हाँ ठीक। ये देखें जी, ये पालक जो है अभी इसको अच्छे से काट लिया है, और इसको अभी बिल्कुल साफ़ करना होता है, क्योंकि इसमें मट्टी बहुत होती है। मट्टी तो इसलिए वॉश करें, इसमें इसको अच्छे से दो तीन बार वॉश करना पड़ता है। उसके बाद ये पहला पानी है। हाँ तो ये जब तक इसको जो है ना अच्छे से वॉश नहीं करें, तो फिर हम इसको जो है ना है ये इस तरह से नहीं पकाते। अब इसको जो है वो देखिए में डाल देंगे, बॉईल कर लेंगे, और इसको बॉईल करना है। और बॉईल करने के बाद इसको ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। जब तक ये बॉईल हो जाएगी, तो अभी लाइट तो है नहीं, लाइट तो भी आ जाएगी। जैसे ही लाइट आएगी तो इसको फिर ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद फिर बाकी ये काम बाद में। अच्छा जी, तो ये देखिए पालक मैंने वॉश कर लिया है अच्छे से। तो ये पानी मैंने चढ़ा दिया, जैसे अभी थोड़ा सा गर्म होता है ना, फिर थोड़ी थोड़ी करके ना ये पालक इसमें डाल दूँगी। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ये भी नीचे बैठती जाएगी, क्योंकि इसको देख के ना ये जो पतीली है ये कम लग रही है, लेकिन ये तो फिर इतनी सी हो जाएगी। तो अभी ये हो जाए, पानी गर्म हो जाए, फिर ये उसमें डालती हूँ। और इधर मैंने ये मेथी भी धो के रख दी है, ये फिर जैसे बनाएंगे सालन, फिर बाद में उसमें डाल के ना उसको भून लेंगे
इसकी खुशबू अच्छी आती है माशाल्लाह, बहुत अच्छी मुझे अच्छी लगती है। वैसे आलू और मेथी अच्छे बनते हैं। ये देखें जी, ये चाट बनाई हुई है और ये केले हैं, ये बीनिश की चाट है और अम्मी भी आई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसे हैं? ठीक है, ठीक हो? रोज़ा है अभी? मैं भी आई हूँ, अकबर ने बुलाया कि तू भी रोज़ा इख्तियार कर ले। ये बस मुझे रोज़ा इख्तियार करा रहे हैं। नहीं मैं क्या करा रहा हूँ, मेरी क्या औकात है? मैं नहीं, फिर भी आपके घर में कर रही हूँ ना भाई। ये तो अल्लाह दे रहा है और ये है कि हमें भी इस चीज़ का सवाब मिलेगा ना। देखें ये बिनिश तो पहले से ही इफ्तारी कर रही है, देखें। बिनिश को बड़ा शौक है, कह रही है आओ चलें सामान ले आए कुछ। तो ये काले चने की चाट बनाई थी और ये केले हिलाए और खजूर भी है, ये खजूर भी है। यही होता है हमारा, बस ये छोले छोले थे, किसी ने बेचारे को दिए थे और शरबत की बोतल दी थी, बना लिया, मुझे बुला लिया। नहीं अभी ये है कि अल्लाह का शुक्र है, भूखा नहीं बैठते, भूखा नहीं बैठ, बस बल्कि यही हमारा रोजी रोजा इख्तियार। तो अभी अजान के इंतजार में मैं बैठ रही हूँ। बस अभी अजान भी होने वाली है, ये तनवीर का भी आज रोजा है, तनवीर का भी रोजा, ये भी अभी सामान देखने लेके जा रहा है। चलो अच्छी बात है रोज़ा तो, चलें ठीक है। ये देखें जी अदरक लहसुन हम इसमें ऐड कर रहे हैं, प्याज जो है ब्राउन हो गए हैं। और ये अदरक लहसुन कुछ ब्राउन हो जाए तो इसमें मसाले ऐड करते हैं, क्योंकि अभी गर्मियाँ आ गई है ना, तो फिर वो भी वजह है और फिर ज़्यादा जो है ना उस पर बहुत यानी कि देर भी लगती है लकड़ियों पे। अब जो है ये गैस पे ही जो है खाना और रोटी भी इसी पे बनाना चाहिए। ये देखें जी ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी ब्राउन हो गया है और प्याज भी ब्राउन हो गए हैं, अब इसमें लाल मिर्चें ऐड कर रहे हैं। और ये इसमें पिसा हुआ धनिया, ये इसमें हल्दी ऐड कर रहे हैं। ये नमक, हल्दी चाय का नमक, ये अच्छे से मिक्स करेंगे, कुछ मसाला भुन जाए, फिर इसमें टमाटर ऐड करते हैं और फिर आखिर में जो है पालक इसमें ऐड करेंगे। ये देखें ये टमाटर हमने अलग से काट के रख दिए और ये हरी मिर्चें हैं, ये देखें आलू, आलू भी हमने अलग से काट के रख दिए और ये जो पालक है इसको हमने पहले बॉईल कर लिया था और इसको अभी ये ग्राइंड किया है मशीन में, सही इसका पेस्ट बन गया है। लेकिन इसमें मसाला अच्छे से भून लिया है और इसमें टमाटर ऐड कर रहे हैं। टमाटर अभी कुछ इसमें गल जाएँ फिर उसके बाद आलू ऐड कर देंगे। ये देखें जी टमाटर इसमें अच्छे से मैश हो गए और अभी से ही बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, सारे मसाले इसमें बराबर हों तो बेहतरीन ग्रेवी बनती है। ये इसमें आलू ऐड कर दिए, ये आलू कुछ गल जाएँ तो उसके बाद आखिर में पालक ऐड करते हैं, मेथी भी है और पालक भी, पालक है और मेथी है। ये भी है, ठीक है।
आलू कुछ से भून लिए मैंने, तो अभी इसमें डाल देती हूँ मेथी। मेथी डाल दी अभी, तो इसको ना भूनते हैं, भूनेंगे ना तो इसकी खुशबू आ जाएगी। इसके बाद हम पालक भी ऐड करते हैं, जैसे कि इसकी खुशबू आती है ना तो पालक ऐड करते हैं। बगैर मेथी के जो है पालक का मज़ा नहीं आता। मेथी के बहुत सारे फायदे होते हैं। खाली ऐसे ही खा लें तो बात ही अलग है। ये देखें जी, ये मेथी की खुशबू आ रही है, बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है मेथी की। और अब ये जो हमने पालक बॉयल करके ग्रैंड कर ली थी, ये इसमें अब हम ऐड कर रहे हैं। देखें, चम्मच से पहले हिला लेते हैं आधी पालक। बहुत ही आज टेस्टी बनने वाली है पालक। ऐसा लगता है कि जैसे पालक और चिकन बना। हाँ, जैसे चिकन वाली पालक हो, पालक चिकन। और ये बाकी का, ये पालक 1 किलो पालक ली थी हमने। माशाल्लाह, ये देखिए 1 किलो में इतनी बन गई है। 1 किलो में माशाल्लाह काफ़ी बन गई है। वीआईपी बन गई है। बस बस बस, सही, ठीक है। बाकी ये जो पालक थोड़ी सी बच गई है, ये फिर नेक्स्ट टाइम के लिए जो है काम आ जाएगी। ये देखें जी, ये आलू पालक तैयार हो गया है और मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया है, आप लोगों को दिखाने से पहले ही खा गया मैं। लेकिन ये है कि बहुत भूख लग रही थी और माशाल्लाह आज ऐसा बना जैसे पालक गोश्त बनाओ, बिल्कुल वही टेस्ट आ रहा है। बहुत टेस्टी बना। और ये अम्मी भी आई हुई हैं, ये भी खा रही हैं माशाल्लाह। बहुत मज़ा आएगा। कैसा बना है माशाल्लाह? हाँ नहीं, बहुत टेस्टी बना है आज पालक जो है। इसमें हमने वो मेथी भी डाला है, मेथी भी है, इसलिए तो अच्छा बना है। हाँ, बेहतरीन खुशबू आ रही है। जाने बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मराठी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआ से खैरियत से हूँ। और आप सबके लिए ढेर सारी दुआएँ कि आप लोग जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने अपनी फैमिली के साथ शादोबाद रहें। और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपके कमेंट्स का, आपके लाइक का, आपके तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शादोबाद रखे, आमीन। और कल एक नए वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।